पहला पेड़ है बबूल का पेड़। बबूल के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है अकेशिया ट्री। अकेशिया ट्री मतलब बबूल का पेड़। और अगला है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है बनियान ट्री, मतलब बरगद का पेड़। और नेक्स्ट है कटहल का पेड़। कटहल के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है जैक फ्रूट ट्री, या आप जैक ट्री भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब होता है कटहल का पेड़। और अगला पेड़ है इमली का पेड़। इमली के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है टैमरिन ट्री, मतलब इमली का पेड़। और नेक्स्ट है चंदन का पेड़। चंदन के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है सैंडलवुड ट्री। सैंडलवुड ट्री मतलब चंदन का पेड़। और अगला है शीशम का पेड़। शीशम के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है रोजवुड ट्री, मतलब शीशम का पेड़। और अगला पेड़ है बांस का पेड़। बांस के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है बैम्बू ट्री। बैम्बू ट्री मतलब बांस का पेड़। और नेक्स्ट है नारियल का पेड़। नारियल के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है कोकोनट ट्री। कोकोनट ट्री मतलब नारियल का पेड़। और सेब का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एप्पल ट्री, मतलब सेब का पेड़। और अगला है आम का पेड़। आम के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है मैंगो ट्री। मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़। और अगला है पपीता का पेड़। पपीता के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है पपाया ट्री। और नेक्स्ट है ताड़ का पेड़। ताड़ के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है पाम ट्री, मतलब ताड़ का पेड़। और अगला पेड़ है खजूर का पेड़। खजूर के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है डेट पाम ट्री, मतलब खजूर का पेड़। और नेक्स्ट है सुपारी का पेड़। सुपारी का पेड़ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बीटल नट ट्री, मतलब सुपारी का पेड़। और नेक्स्ट है सागवान का पेड़। सागवान का पेड़ जो देख रहे हैं आप, इसकी लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के काम में आती है। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है टीक ट्री। टीक ट्री मतलब सागवान का पेड़। और नेक्स्ट है केले का पेड़। केले के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है बनाना ट्री, मतलब केले का पेड़। और अगला है नारंगी का पेड़। नारंगी के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है ऑरेंज ट्री, मतलब नारंगी का पेड़। और नेक्स्ट है अनार का पेड़। अनार का पेड़ भी होता है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है पोमीग्रेनेट ट्री, मतलब अनार का पेड़। और नेक्स्ट है नींबू का पेड़। ये जो देख रहे हैं आप, ये नींबू का पेड़ है, वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है लेमन ट्री। और नेक्स्ट है बेर का पेड़। बेर के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है जूजूब ट्री, मतलब बेर का पेड़। और नेक्स्ट है अमरूद का पेड़। अमरूद के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है गुआवा ट्री। गुआवा ट्री मतलब अमरूद का पेड़। और अगला है नाशपाती का पेड़। इसे कहा जाता है इंग्लिश में पेयर ट्री, मतलब नाशपाती का पेड़। और नेक्स्ट है नीम का पेड़। नीम का पेड़ जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नीम ट्री, मतलब नीम का पेड़। और गोंद का पेड़। गोंद का पेड़ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में गम ट्री। गम ट्री मतलब गोंद का पेड़। और अगला पेड़ है खुबानी का पेड़। इसके पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है एप्रिकॉट ट्री, मतलब खुबानी का पेड़। और नेक्स्ट है चीकू का पेड़। चीकू का पेड़ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सेपोटेला ट्री, मतलब चीकू का पेड़। और देवदार का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सीडर ट्री, मतलब देवदार का पेड़। और अगला पेड़ है शहतूत का पेड़। शहतूत के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है मलबेरी ट्री, मतलब शहतूत का पेड़। और नेक्स्ट है अंजीर का पेड़। अंजीर के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है फिक ट्री। फिक ट्री मतलब अंजीर का पेड़। और अगला है शाहबलूत का पेड़। इसे कहा जाता है इंग्लिश में ओक ट्री, मतलब शाहबलूत का पेड़। और चीड़ का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पाइन ट्री। पाइन ट्री मतलब चीड़ का पेड़। और नेक्स्ट है ये पेड़ जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में साल ट्री। और अगला पेड़ है अशोक वृक्ष। ये लाल और नारंगी फूलों वाला छोटा सदाबहार पेड़ होता है, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में पूज्य माना जाता है। वैसे इस पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है अशोका ट्री। अशोका ट्री मतलब अशोक वृक्ष। और नेक्स्ट है आबनूस का पेड़। इसे कहा जाता है इंग्लिश में एबनी ट्री। एबनी ट्री मतलब आबनूस का पेड़। और नेक्स्ट है पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है सेक्रेट फिक ट्री, मतलब पीपल का पेड़। और अगला है जामुन का पेड़। इसे कहा जाता है इंग्लिश में जावा प्लम ट्री, मतलब जामुन का पेड़। और नेक्स्ट है बोज वृक्ष। इसे कहा जाता है इंग्लिश में बर्च ट्री। बर्च ट्री मतलब बोज वृक्ष। और नेक्स्ट है कदम का पेड़। कदम के पेड़ को इंग्लिश में कहा जाता है बर फ्लावर ट्री।
फ्लावर ट्री मतलब कदम का पेड़, और नेक्स्ट डे गुलमोहर का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में गुलमोहर ट्री, या फिर आप बोल सकते हो डेलोनिक्स रेजिया ट्री, ये भी आप बोल सकते हो। और नेक्स्ट डे आंवला का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में गूजबेरी ट्री, गूजबेरी ट्री मतलब आंवला का पेड़। और नेक्स्ट डे बादाम का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में आमंड ट्री मतलब बादाम का पेड़। एंड द लास्ट वन इज अखरोट का पेड़, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वॉलनट ट्री मतलब